और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आपका भाई बिल्कुल ठीक है यार। आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने लगा। आज का मैं जो व्लॉग बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ अपने बाइक के ऊपर। तो ये चेक करो इसकी क्या सूरत हाल हुई पड़ी है। ये ना दरअसल बाबा का एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद ये कम से कम 1.5 माह से ना खड़ा है बाइक। तो अभी इसके ऊपर मट्टी कितनी लगी हुई है, पहले इसको निकालते हैं, इसको थोड़ा सा वाश करते हैं। वाश करने के बाद फिर इसको जाकर ठीक करवाने जाएंगे। मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन स्टार्ट होने वाली की बाइक का दिखाता हुआ क्या सीन है। एक तो ये मीटर टूटा हुआ है, ऊपर से ये फ्रेम टेढ़ा हो गया सारा, और ये वाला फ्रेम टेढ़ा हो गया। आप देख ले कि इसकी वजह से पूरा बाइक बच गया, वरना बाइक ख़राब हो और टूट गया तो वहाँ से। और ये दरअसल ना तकरीबन 1.5 माह से ऐसे ही खड़ा है, स्टार्ट ही नहीं किया, तो अब स्टार्ट हो भी नहीं रहा। तो पहले इसको थोड़ा सा वाश करते हैं, वाश करने के बाद फिर धक्का लगा के चेक करते हैं, शायद स्टार्ट हो जाए। मीटर में ज़्यादा पानी नहीं डालना, मीटर में पानी चला गया तो आगे तारे ना कुछ हो जाए। बाकी इतना पानी मारते हैं कि बस ये साफ सुथरा होगा थोड़ा सा, तो उसे वहाँ ले जाएं। पहले इसका करवाना है हमने बाइक फॉल, टोटली ठीक करवाएंगे। ठीक करवाने के बाद फिर हमने दूसरा काम जो हमारा है उसको वाश करवाना है। वाश कराने के बाद फिर तीसरा काम इसका जो पेपर वगैरह फटा हुआ है, तो ये देखो यहाँ से कुछ फटा हुआ है। उसके अलावा ये वाले पेपर चेंज करवाने, ये भी यहाँ से उतरे हुए हैं इस साइड से भी, तो ये पेपर चेंज करवा के फिर बाइक घर लेके आएंगे। बाइक को स्टार्ट करने के बाद मैं निकल तो गया हूँ। अब ये देखो ये फ्रेम टेढ़ा है इसका बिल्कुल ही मीटर, और ये एक ये सेफ्टी स्टैंड की वजह से ना बाइक टोटली बच गया। भजान बाइक खुला हुआ, इसका लाइट फ्रेम वो अब सीधा करें। ये वाला फ्रेम टेट है बस, यार ये फ्रेम जो है ना ये सीधा नहीं हो रहा था, तो अब इस पर ना टेढ़ा मेढ़ा लगा हुआ, अजीब सा लगना है। मैंने कहा उतरवा ही दें, उतरवा के ना इसको अब नया मंगवा के लगवाएंगे इस पर फ्रेम। और बाकी ये ठीक हो गया फ्रेम टोटली, शुक्र है। बाइक इलेक्ट्रिशियन का काम हो रहा है। पहले ऐसे इंडिकेटर थे सेम डिज़ाइन के, लेकिन उसके अंदर स्पीड थोड़ी चेंज थी, तो उस वजह से ना करंट सही से पास नहीं हो रहा था। अभी दोनों में चेंज करवाने पड़े हैं, तो जैसे फ्रंट वाले लाइट दे रहे थे वैसे सेम लाइट के लगवाने पड़े हैं। तो अभी वह लगा के चेक करते हैं कैसी रोशनी देते हैं। A few moments later. रात के 10:30 हो गए हैं, पूरी मार्केट बंद हो रही है, और भाई का भी बाइक रेडी हो रहा है, अभी हाफ रेडी हुआ है। पहले टोटली ब्लैक कलर था, आपको दिखाया था, तो ना उसका पेपर फट गया था कुछ जगह से। मैंने कहा अब क्या कहते हैं उसे दोबारा ब्लैक करवाने के बजाय इसे टोटली करें, चेंज करवा लें। मुझे ग्रे कलर पसंद आया था, तो अभी ये लग रहा है, लगने के बाद चेक करते हैं जब फुल रेडी होगा फिर आपको चेक करवाएंगे कैसा लग रहा है। 2 hours later. भाई जहाँ इस टाइम रात के 12 बजे थे, मैं सुबह 4 बजे का गया हुआ, तो अब 12 बजे वापस आ रहा हूँ। बाइक की लुक ये है, अभी आपको मैं लाइट ऑन करके दिखाता हूँ इसकी फुल लुक। नाइट टाइम लुक तो ये आ रही है, और ये इंडिकेटर मैंने चेंज करवा दिया इसके। उसके अलावा लाइट चेंज कराई और टोटली पेपर चेंज करवाया, वो रिम लाइट भी चेंज करवाई है मैंने अभी। पहले टोटली ब्लैक था, अब मैंने टोटली ग्रे करवा लिया, ब्लैक का थोड़ा सा कम्बिनेशन दिया है, बाइक अलग लुक आ गई, बहुत प्यारी लुक। उसके अलावा जो मैंने एक और चेंजिंग करवाई है, वो मीटर टूट गया था ना, मीटर का कैप, तो मैंने मीटर का कैप चेंज करवाया, साथ ही मैंने मीटर की लाइट चेंज करा के ना वाइट लाइट करवा ली है। 2000 years later. अच्छा तो दोस्तों मैं घर पहुँच गया हूँ,
अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। लाइक और सब्सक्राइब मस्ट है। अल्लाह हाफिज़।